दिनों अवैध शराब के कारोबारी धड़ल्ले से अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं। पुलिस इन कारोबार पर लगाम लगाने के लिए कई अभियान भी चला रही है, लेकिन बावजूद इसके अवैध शराब कारोबारी पुलिस की नाक के नीचे अवैध शराब का कारोबार करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे ही एक अवैध शराब का जखीरा पकड़ने में केसली पुलिस को सफलता हाथ लगी है, जहां सागर एसपी तरुण नायक के निर्देश में और देवरी एसडीओपी के मार्गदर्शन में केसली पुलिस ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि गौरझामर साइड एक कार भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर जा रही है, जहां पुलिस ने चेकिंग लगाई तो एक कार पुलिस को आते हुए दिखी। जहां केसली पुलिस ने कार को रोका तो कार ड्राइवर पुलिस को देखकर भागने लगा, जहां पुलिस ने आरोपी को पीछा करते हुए राइस मिल के पास आरोपी को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी रोहित पटेल पुलिस को देखकर भागने की कोशिश में था। पुलिस ने इसके पास से तकरीबन 15 शराब की पेटी जब्त की है, जिसकी कीमत तकरीबन 3,75,000 रुपये आकी गई है। पुलिस ने आरोपी रोहित पटेल को हिरासत में लेकर आबकारी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश कर आरोपी को रहली जेल भेज दिया है। लेकिन इतना जरूर है कि इन दिनों पुलिस लाख अभियान चला ले, लाख रोक लगा ले, लेकिन अवैध शराब के कारोबारी इस कदर पनप रहे हैं कि वह धड़ल्ले से अवैध शराब का कारोबार करने से बाज नहीं आ रहे। कल मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि शेरवानी तरफ से एक स्विफ्ट कार में काफ़ी मात्रा में शराब आ रही है। इस सूचना पर पुलिस स्टाफ के वाहन चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट कार से 15 पेटी अवैध शराब जब्त हुई है। एक आरोपी रोहित पटेल जो पथरिया जाट जिला दमोह का निवासी है, इसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कहां से शराब आई है, इस संबंध में पूछताछ जारी है। सागर एक्सप्रेस न्यूज के लिए योगेश विश्वकर्मा के साथ राहुल सिंह की रिपोर्ट। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स परकोटा तिराहा सागर मध्य प्रदेश।